इसी वन में एक यक्षिणी रहती थी। उसे कुछ शरारत तरकीब प्राप्त थी जो उस वन की परिधि तक ही सीमित थी। वह वन से गुजरते राहगीरों को लूटती और उन्हें नुकसान पहुंचाती थी। एक दिन उस वन से एक खूबसूरत नौजवान घूम रहा था। शरारती महिला ने उसे भी पकड़ लिया, मगर उसे अपना शिकार नहीं बनाया बल्कि उसने उससे शादी रचाई। वह उसे जंजीरों से बांध कर रखती क्योंकि उसे भय था कि वह भाग जाएगा। कुछ दिनों के बाद यक्षिणी ने एक पुत्र को जन्म दिया। जब वह पुत्र कुछ बड़ा हुआ तो उसने उसे पैरों के निशान पढ़ने की विद्या सिखाई। वे निशान 12 वर्षों तक पढ़े जा सकते थे। बालक कुछ और बड़ा हुआ। उसने अपने पिता को माता की कैद में देखा। वह एक दिन माता की अनुपस्थिति में अपने पिता को मुक्त करा उस जंगल के बाहर भगा लाया। चूंकि यक्षिणी की शक्ति वन के बाहर नगण्य हो जाती थी, अतः वह उन्हें फिर कभी पकड़ नहीं पाए। पिता और पुत्र ने वाराणसी में शरण ली। एक दिन वाराणसी के सरकारी खजाने में चोरी हुई। राजा ने तब ये घोषणा करवाई कि जो कोई भी जनता की उस संपत्ति को ढूंढने में सहायता करेगा उसे यथोचित पारितोषिक दिया जाएगा। यक्षिणी पुत्र ने तब तत्काल ही चोरों के पद चिन्हों को पढ़ता राजा और जनता को उस स्थान पर ले गया जहां खजाना छुपाया गया था। विस्मित हो सभी ने बालक की भूरी भूरी प्रशंसा की। राजा ने तब बालक से चोरों का नाम पता पूछा। बालक ने कहा कि चोरों का नाम बताना उचित नहीं होगा, किंतु जब राजा ने हट किया तो उसने चोरों का नाम बता दिया। चोर और कोई नहीं थे बल्कि राजा और उनके पुरोहित थे। लोगों को तब राजा और पुरोहित पर बहुत गुस्सा आया। उन्होंने उन दोनों चोरों को पीट पीट कर मार डाला और उस बालक को अपना नया राजा बना दिया।